तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 4 नैनीताल में हमारा, और अभी हम बिल्कुल नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। बाल देख रहे हो बिल्कुल भीगे भीगे हैं, और चाचा हमारे ताला लगा रहे हैं। मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है, धूप निकल रही है पूरी, कोई धुंध नहीं है, देख रहे हो। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, अभी 8:30 हो रहे हैं, हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम है। मंदिर से होके आते हैं, फिर आज चेकआउट भी है, निकलेंगे घर। तो चलते हैं नैना देवी मंदिर, दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आते हैं। चाचा चलो फिर फटाफट, टाइम नहीं है आज, मौसम अच्छा है आज का, है ना। और अंकल जी बढ़िया साहब, आज भी रुकेंगे? नहीं नहीं, बस मंदिर से आ रहे हैं, अच्छा आधे घंटे में। हाँ हाँ सही बोल रहे हो भाई, अंकल जी बोल रहे हैं आज और रुक जाओ। ये री बुलेट भाई, ये रहा हमारा होटल, होटल सोए, काफ़ी अच्छा होटल है, सही रेट पे मिल गया था। भाई साहब अब हम जा रहे हैं सीधा माल रोड होते हुए मंदिर, उसके बाद मंदिर से दर्शन करके आएंगे, पैक करेंगे, चेकआउट करेंगे, फिर आएंगे थोड़ी देर यहाँ पे मछलियों को खिलाएंगे ब्रेड, फिर निकलेंगे घर दिल्ली के लिए। तो आगे भाई माल रोड, एक और देखो तो साइड से। तो भाई ये जो गली हमेशा भरी रहती थी बिल्कुल खाली हो रखी है, सुबह टाइम हो रहा है 8:30, रात को शाम के टाइम अभी थोड़ी देर में सारी दुकानें लगनी चालू हो जाएंगी, हाँ शाम तक पूरी भर जाएगी। और आगे है मंदिर, चलते हैं। ये अभी है फुटबॉल ग्राउंड, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। देखो भाई सब सामान ले लेके आ रहे हैं दुकानें लगाने के लिए। तो भाई ये प्रसाद की शॉप, ये क्या प्राइस है? 150। और ये वाली स्वीट मिठाई 400 की, ये वाली, ये क्या है? ये पेड़ा है। इसका क्या प्राइस है? इसका भी 400। ये भी सारे 400 क्या चीज़? लड्डू को छोड़ कर। तो भाई लेते हैं प्रसाद और चलते हैं दर्शन करने माता जी का। तो भाई ले लिया प्रसाद अपना, उसके बाद अब आ गए मंदिर में। ये है सुबह का नज़ारा यहाँ का, रात में आए थे काफ़ी अच्छा था, रात में कितना अच्छा लग रहा था ना। जय हनुमान जी के, जय बजरंगबली। भाई हनुमान जी का मंदिर सामने, पैसे भी नहीं है। भाई साहब मंदिर सच में बहुत प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आज है कृष्ण देवी मंदिर। तो भाई अभी हम दर्शन किए नैना देवी मंदिर के, नैना देवी के, और अब आ गए उसके बगल वाले मंदिर में जहाँ पे हैं ये संतोषी माता का मंदिर, बगल में नवग्रह मंदिर और वो राधा कृष्ण का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भाई। हाँ भाई साहब यहाँ पे पूरा बैठने बैठने के लिए, यहाँ पे हम रात में बैठे थे, और अब चलते हैं सीधा शंकर जी के दर्शन करने। सामने शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पे आप अगरबत्ती लगा सकते हो अपने। क्या दिया भी है क्या इसमें? तो ये हमारा प्रसाद, इसमें सब कुछ है। दिया कहाँ पे? बाहर दिया नहीं चलेगा, हवा चल रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ पे आप अगरबत्ती अपनी जलाओ, दिया जलाओ, सब ऐसे बना रखा है जगह जगह पे। ठीक है, बोलते हैं मंदिर है, पूरा तो नहीं होगा। तो भाई यहाँ के दर्शन हो गए, अब चलना है। हाँ, आगे है शंकर जी का मंदिर, शिव का। देखा है 10-20 रुपये ये शंकर जी का मंदिर। अंदर चलो भाई, मंदिर बहुत अच्छा है, प्यारा मंदिर है। देखो पूरा ये है बड़ा वाला माता जी का मंदिर, नैना देवी का। और सामने देखो बिल्कुल पूरी लेक है भाई, बोट चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल लेक के जस्ट सामने खूबसूरत मंदिर है। तो भाई फाइनली दर्शन हो गए माता जी के, और जाना होता है आगे वाले गेट से, आना होता है आगे वाले गेट से, और जाना होता है भाई पीछे वाले गेट से, इस साइड से। यहाँ पे नारियल फोड़ना होता है, वैसे पीछे वाले गेट तो बंद है यार, बंद ही रहता है। यहाँ पे नारियल तोड़े जाते हैं, यहाँ पे नारियल तोड़े मुझे लगा घर पे तोड़ते हैं। अच्छा, यहीं तोड़ा जाता है। हम दिल्ली से हैं। खुले हैं, श्री राम श्री कृष्ण है। 10 रुपये दे, देखना पड़ेगा। दे दो। थैंक यू। तो भाई नारियल वारियल फोड़ लिया है, मंदिर में दर्शन हो गए, टीका लगवा लिया, बिल्कुल बढ़िया सा। बताओ था टीका लग रहा है, छूट रहा है ना? हाँ लग रहा है, छूट रहा है ना, छूट नहीं। चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करेंगे। क्या बंद है? हाँ तो इधर से जाना पड़ेगा। तो भाई चुन्नी आवाज नहीं होती ना। हाँ भाई, तो भाई अपनी चुन्नी आवाज नहीं होती है, तो आप यहाँ पर बांधिए अपनी चुन्नी, अपनी कोई विश मांगिए, और नैना देवी वो भी साफ की पूरी कर देंगी। ये दुबे जी चुन्नी बांधते हैं हमारे। चलो तो भाई चुन्नी भी बांध दी, विश भी मांग ली। विश मांग ली
कुछ ना मांगना, इतना ही इतना ही है, काफ़ी है, ज़्यादा भी नहीं। तो भाई कितने बजे का टाइम बताना? टाइम हो गए 9 और 9 बज गए भाई। अब हम चलते हैं। ये भाई एक बार फिर से पूरा मंदिर देख लो। रात को ये मंदिर बिल्कुल लाइटों से जगमगा रहा था। सामने लेक, यहाँ पे आप अपनी चुन्नी बांध सकते हो। ये है नैना देवी का मंदिर। यहाँ पे आप जूते चप्पल अपने उतार सकते हो। और पीछे वाला रास्ता जो बंद है, वहाँ से वापस नहीं जा सकते। वैसे यहाँ से आगे आना होता है, पीछे से बाहर जाना होता है, लेकिन वो बंद हो रखा है तो यहीं से जाना पड़ेगा। वहाँ पे मेंटेनेंस चल रही है इसलिए बंद कर रखा है। बाकी भाई ये था हमारा यहाँ का चौथा दिन और आखिरी प्लेस। तो भाई मंदिर से पीठ पीठ करके नहीं जाते, इसलिए उल्टा चलना पड़ेगा। हाँ सर, तो भाई सुबह सुबह निकली थी धूप यहाँ पे, लेकिन अब हो गए बिल्कुल बादल आ गए। 5 बजे उठ के घूमने लग गए थे। हैं हाँ, 5 बजे उठ के घूमने लग गए थे। हाँ नो सर, यहाँ पे टैक्सी वाले लेते हैं भैया, शेयर टैक्सी ले जाते हैं। 7 पॉइंट कवर कराते हैं नैनीताल के आसपास, साइट सीइंग जो होती है, और मात्र 400 रुपये लेते हैं। नहीं सर, नहीं अभी दर्शन हो गया नैना देवी का। और आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, सबसे बड़ी मूर्ति तो हनुमान जी की है वहाँ पे, काफ़ी बड़ी मूर्ति यार। कल फोन कर, तो भाई प्रसाद सब ले लिया है। टाइम हो रहे हैं 9:15 और हमें 10 बजे है चेकआउट हमारा। तो फिर मैं वीडियो कॉल मम्मी कर रहा हूँ, मंदिर दिखा रहा हूँ। तो फिर चलते हैं भाई, यहाँ से सामान पैक करते हैं और नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं फिर। आज वैसे सुबह सुबह इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था नहाने में ना, बैंड बज गई भाई। जल्दी जल्दी नहाए किसी तरह सुबह उठ के, नहा वहा के फिर निकले। बता तुम बता, बड़े मन कर रहा है एक बार और बोटिंग करने का, पर टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि बोटिंग करने का जो मज़ा आता है ना, अलग ही मज़ा होता है भाई। तो भाई फाइनली आ गए दर्शन वर्शन करके रूम पे, और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी हमने पराठे ऑर्डर किए, पराठे खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। थोड़ी देर वहाँ पे तल्ली ताल इन्जॉय करेंगे, तल्ली ताल बैठेंगे, मछलियों को थोड़ा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी धूप हो रही थी सुबह सुबह, फिर से देखो मौसम हर टाइम चेंज होता रहता है, हर 5-10 मिनट में यहाँ पे फिर बादल आ गए पूरे। और वैसे तो अभी ठंड कम है इस समय। तो भाई कुछ भी हो, ट्रिप बहुत अच्छी रही यार, 3 दिन की ट्रिप रही, और आज चौथा दिन है यहाँ पे हमारा। और ये था हमारा रूम, पहले भी दिखा चुका हूँ, सारा सामान फैला हुआ है हमारे भी, सब अभी पूरा पैक करना है। तो भाई ये पैक करते हैं और निकलते हैं नाश्ता वास्ता करके घर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब ऐसे और वीडियो पाने के लिए। और इस पूरे ट्रिप की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक एक वीडियो से अच्छा आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारी वीडियो एक साथ देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई मिलते हैं किसी और टूर पे, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल जहाँ भी जाएंगे सही, चाचा जी तुम्हारे साथ ही रहेंगे।